हेलो गाइस, राम राम जय। वो फिर शेर निशानी ब्लॉग में आप सभी करते हैं जिनसे स्वागत है गाइस। तो आज है गाइस मंडे, तो मंडे का चौथा सोम हमारा सावन का, और आज वो रिमोडिंग में गाइस बढ़िया बढ़िया अच्छी वाली बारिश। तो गाइस दिन में देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, मिलते हैं शाम को। तो गाइस हल्की फुल्की अब भी आ रही है गाइस बूंदाबांदी, और अभी 3:15 का टाइम होगा, सूर्य अभी तक नहीं आया गाइस। बेचारा फिर ट्यूशन पे भी जाओगा 3:30 बजे, फिर प्रैक्टिस पे भी जाओगा। और इसका हो रही है म्याऊं का उसी का कुतर 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 कुतर, सूर्य आ जाता है। क्या है क्या है ए कुछ क्या है कुछ दूध को नहीं मिला तुम्हें आज दीदी दूध ना किया जब मैं तो पता नहीं भूखी हो रही भूखी भूखी लाग रही कपड़े दूर रहे भाई ही आ जा शोरी आ जा शोरी आ जा शोरी अभी तक नहीं आया है कहीं। जबरदस्त हो रहा है बारिश का मौसम, अब बिग्गी कराम जी ऐसे उतार ले जा रोज की रोज। तो फिर अभी मैं साइज रे कपड़े अंदर दूं गाइस अंदर ये। तो गाइस देखो कैसे कैसे बादल आए हुए हैं, तो राम जी आ नहीं रहा, और शौर्य अंशु और पुशी पुशी ए ए पुशी इधर आ जल्दी आ इधर देखा आ गई ना आएगी ना कुछ ही मेरे पास। तो गाइस एक गिर दूँ लगता। तो गाइस देखो अपने गुआना में तो आ गई गाइस बारिश, हल्की हल्की आई है। तो फिलहाल इधर कोई खास नहीं है, हल्की फुल्की आ चुकी है गाइस बारिश। तो गाइस अभी लग रही हूँ गाइस कुछ ना कर, तुरंत जस्ट अभी लग गई हूँ, 5 मिनट हुई है कि चाल नहीं हुआ है बस पिछना। तो अभी भाई पिछना कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो नहीं आया भाई छोड़िए ए ए पूछे अगर तो गाइस अभी लग रही हूँ गाइस में नमकीन चावल छोकने, थोड़ी ही बूंदा पानी गिर कर रह गया राम जी के लिए भी चावल ज्यादा नहीं काई होगी तेरी मम्मी आई है गाइस बारिश की तो मस्ता कपड़े भी है जो चला ला पियो गाइस ज्यादा बारिश ये हमारी कुछ भी नहीं आई गाइस बिल्कुल भी ए पुशी कौन एक बार तो ये बढ़िया है ए पुष्पा मड़ी 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 पुष्पा राम जी बस तो भाई जी सुन दो नमक भी तो गैस चला दी है गाइस मैंने, इसमें पानी से जगह में फिर इसमें डाल दी गाइस तेल। तो भाई जी इसमें डाल दिया सबसे पहले हल्दी, और उसके बाद गाइस नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ज्यादा नहीं, बस तेल डाल दिया हो गया गाइस। तेल भी डाल दिया गाइस सरसों का तेल थोड़ा सा ज्यादा हूँ बोल जी तो हमने 15-20 दिन हो गए जब बनाए थे नमकीन चावल, 15-20 कल तो हो गए गाइस, सूर्य गया था कल तब बनाए थे चावल, जुलाई में गया था सूर्य। तो गाइस कूट दी मैंने मिर्च, इसके अंदर पानी डाल दूंगा जो मसाला हो जाएगा ना उसमें, फिर होने के बाद
ईशा ने वो कर दिया, कुंडी ने भी धो दी छोटे ने, ये मेरे सिर से कला गिर जाएगी गाइस, तेल हो गया है गाइस गरम, वरना फिर नीचे से जो जो पतीला है ना ये वो हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, वरना ये गलती गलाई भूल डाल दी, हो गया है ज्यादा ब्लैक हो जाएगा फिर ये, वरना 2 मिनट रुक जा, खाना बना है, एडिटिंग कर ली होगी उसने, बोल दे ऐसे बोल दे उनको मम्मी बुला दी तुझे, चल भाई की बात तो भाई सो रही है, क्या बना हुआ खाना बना, क्या बना, नमकीन चावल बना दी मैं तो, आलू के परांठे, नॉर्मल बना दे, अभी तो आटा भी तो लगाऊंगी यार, तुम भी तो भेऊंगी दे, तो नहीं आ रहा तो भाई वो सब वाले जैसे अच्छे वाला तड़का लग गया है, इसमें दो एक गिलास और दे दूंगा इस पानी बड़ा उबल लेंगे ना, जब डाल देंगे ना, क्या ढूंढा है क्या ढूंढ रहे हो बेटा आप, आ रही है एडिटिंग कर ली तुमने, कितने ग्रह रही क्या क्या वीडियो किए, दे दे ये पिछले 5 मिनट तो गाइस देखो नमकीन चावल बन गए हैं गाइस, कितने बिल्कुल यम्मी यम्मी, एक एक क्योंकि अभी 5-7 मिनट और लगेंगे इस आटा लगाऊंगी, तो गाइस 1 घंटे में तो कंप्लीट होगा, इसमें बाहर निकला था दोनों मेरे पास, आधा इसमें कपड़ा बुलाया है आधा इसमें कपड़ा बुलाया, तो अभी रेडी है गाइस, पूल डालना पड़ेगा इसके अंदर पानी थोड़ा सा नहाया, इसे एक दो कदर के मार जाएगा गाइस, आज हो गया गाइस वो बहुत अच्छा वाला पोपिट, एक हांडी में 2 पेट हो गए गाइस, तो मैं लाग लूँ गाइस दूध बिलौन, तो दूध आधा तो उसमें पतीले में बाहर निकला था क्योंकि कई दिन की मलाई हो रही थी इकट्ठी, तो मैंने टाइम नहीं लगा था, देखो तो गाइस इस वाला की तो निकाल दिया मैंने आगे है, और ये वाला बिलौन तो गाइस ये दोनों घी बिल गए हैं, तो ये भी ना दोनों गाइस एक मुकर दूंगी, और थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी इसमें गर्म, ये दूजा का, और ये क्योंकि ये देखो थोड़ा बड़े करके दिखाऊंगा, देखो गाइस आ गया है बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा है एक घूट पानी और डाल दूँ नवाया, इकट्ठा हो जाएगा बढ़िया डाल बिल्कुल अच्छी तरह से, टिंडी घी खाओ, ये गाइस हमारे हरियाणा की आन बान शान, तो गाइस फिलहाल 1 घंटे में 2 पेट हो गए हैं और निकल भी गया के बोल रहे हो, तो गाइस फिलहाल निकल आया है घी, टिंडी घी खाओ पर भूखे गुनगाओ, गाइस देसी खाना वर्गी ओढ़ नहीं होती गाइस कितने कहीं पे भी, सही है आप हरियाणा ही में जा लो ते जा लो, तो जो घर का खाना है उस बड़की और तो कहीं पे भी ना होगा, इस कहीं पे भी वैसे खाना खाओ पर मुझे गुनगाओ, तो गाइस निकल आया है ये घी, लस्सी के लस्सी बन गई गाइस, घी का घी बन गया टिंडी की, तो इसने एक बार
काट दूँ आइस और फिर करते हैं अपने नमकीन चावल तो बन गए, रोटी और बना दी शोरिया की दो को लग रही है जबरदार भूख शोरिया मलिक को। नमकीन चावल ठंडी जी ला कर खाओगे गाइस बिल्कुल अच्छा स्वाद लागेगा, तो दिन की रोटी चुपट जाएंगी देखो आराम से चुपड़ेंगे गाइस। पति जमा वो घी भी त्याग दिया था मैंने गाल लिया नहीं है क्योंकि आज संडे था, संडे ने वो पढ़ा कर संडे मंडे या बुधवार पे या फ्राइडे इसमें भी लाग रहा गाइस घी ठंडी क्योंकि व्यायाम करता थोड़ा था इसमें पानी पूनी गिरा तो बाहर निकला था आधा उसमें बलो दिया आधा उसमें फिर दोनों में एक मकर का फिर अपने एक खदल कर लगा दी फिर अपने बलो दिया। चुट्टापट्टी मत करो बेटे, चुट्टापट्टी मत करे, चुट्टापट्टी मत करे, ब्लॉग बन रहा है चुट्टापट्टी नहीं सोरिया क्या कर रहे थे आई लड्डू ले खा के देख देख लड़ा है तेरा है तो। ओके गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करियो शेयर करियो। ओ भाई कि जाओगा तू टिंडी घी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।